तो अभी हम आए थे यहाँ इंदिरा नगर। इंदिरा नगर ऐसा एरिया है, इंदिरा नगर अगर प्रॉपर्टी के लिहाज से देखें तो बहुत पुराना एरिया है, बहुत पुराना बसा हुआ है और बहुत ही यहाँ पे जो प्रॉपर्टी के रेट हैं वो बहुत महंगे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे सड़क के दोनों तरफ यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो बहुत महंगी है, बहुत पहले से ही बहुत महंगी है। लखनऊ के अगर 5 एरिया महंगे में बात किया जाए तो उसमें से एक इसे कह सकते हो, जैसे गोमती नगर है और इंदिरा नगर है, हजरतगंज है, महानगर है, तो ये सारे जो एरिया हैं बहुत ही महंगे एरिया हैं। ये लखनऊ के मेट्रो देख रहे होगे, तो मेट्रो लखनऊ मेट्रो लखनऊ में मेट्रो आ गई, कानपुर में मेट्रो आ गई, जो छोटे शहर हैं, जो बी टीयर के शहर हैं वहाँ पे जो मेट्रो है उसकी वजह से हुआ क्या है कि इन शहरों की जो तरक्की है वो बहुत तेज़ी से हुई है। मेट्रो अगर किसी भी जगह पे जाती है किसी भी शहर में तो वहाँ जो तरक्की है वो बहुत तेज़ी से होती है। तो ये लखनऊ के नज़ारे हैं। लखनऊ में हम चर्चा कर रहे थे प्रॉपर्टी को लेकर बात कर रहे थे कि प्रॉपर्टी में किस किस तरीके की बूम आया है, किस किस तरीके का उछाल आया है। तो जैसे ये वाला जो मेट्रो वाला एरिया आप देखेंगे तो मेट्रो एक तरीके से अभी जो रूट है वो सेंट्रल लखनऊ के बीच में बनी है। तो आप अगर अमौसी एयरपोर्ट की तरफ से आते हैं और इधर आपका ये मुंशी पुलिया तक जाते हैं तो ये जो रूट है इस पर पूरी तरीके से मेट्रो बन गई है और चल भी रही है। तो उसका फ़ायदा ये है कि लखनऊ में कहीं से भी आपको आना जाना हो तो अब बहुत आसान हो गया है, पहले जो बहुत मुश्किल होता था। लेकिन लखनऊ में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताएंगे कि मेट्रो का लोग इस्तेमाल जो है बहुत कम करते हैं, उनको लगता है महंगा है सवारी, क्योंकि जो ऑटो की जो सवारी है या जो नॉर्मल ई रिक्शा चलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सस्ते हैं उसकी अपेक्षा। तो इसलिए लोग लखनऊ की मेट्रो दिल्ली या नोएडा मेट्रो की तरह उतनी भरी हुई तो चलती हुई नहीं दिखती हैं। 850 मीटर फैजाबाद रोड। अलग अलग आपको लखनऊ जो है वो दिख रहा होगा और ये जितने भी पहले एरिया डेवलप हुए थे, जैसे जब सेकेंड स्टेज में कह सकते हो पुराने लखनऊ से जब नए लखनऊ की तरफ बढ़े, तो जैसे जानकीपुरम लखनऊ में बसा था और राजाजीपुरम बसा था और आपका इंदिरा नगर बसा था, गोमती नगर बसा था, तो ये एरिया बहुत अच्छे से, मतलब उस समय जो लोग थे तब भी लोग जो बहुत सारे लोग थे कि आउटर में पढ़ते हैं, लेकिन वो एरिया डेवलप हो गए। अब उसके बाद जो नए एरिया डेवलप हो रहे हैं लखनऊ में तो वो और आउटर में हैं, अभी तो आउटर में लगते हैं लेकिन 10 साल बाद वही बोला जाएगा अरे वहाँ ख़रीद लेना चाहिए था, तब इतना मिलता था। तो क्या है कि प्रॉपर्टी में तो हर रोज़ ही रेट बढ़ते रहते हैं। जब से ये मेट्रो वगैरह सुविधाएं बी टीयर के शहरों में आने लगी, लखनऊ जैसे शहर में आ गई हैं, तब तो प्रॉपर्टी ने एकदम पूरा उछाल मार दिया। पहले जो प्रॉपर्टी के रेट होते थे लोग सोचते थे अरे क्या ही करेंगे, लेकिन अभी वो पूरी चीज़ बदल गई है। ये लखनऊ के जो ऑटो वाले भाई लोग हैं, ग्रीन ऑटो, सीएनजी ऑटो, पहले पीले कलर की चलती थी, उससे पहले गणेश चलते थे। तो ये जो है ये लखनऊ की एक तरीके से लाइफलाइन इनको कह सकते हो, क्योंकि इनका जो किराया होता है वो बहुत सस्ता होता है,
बाकी जो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसकी अपेक्षा इसका जो किराया है वो सस्ता है। ये जो लोकल मार्केट लगी हुई है, बाज़ार लगी हुई है, तो इस तरीके की जो बाज़ार हैं शहर के हर एक हिस्से में लगती हैं। और ये इन बाज़ारों से इन बाज़ारों की वजह से बहुत सारे लोगों के घर चलते हैं भाई। दिख रही ट्रेन। हम अभी हैं रेलवे क्रॉसिंग जो निषादगंज की है वहाँ पे हैं, और ये इंदिरा नगर के बाद ये निषादगंज। ये सारे पुराने लखनऊ में, अब इनको भी पुराना कह सकते हो, तो जैसे ही नया एरिया बनता है तो ये पुराने में चले जाते हैं। वैसे ही लाइफ में भी यही चलता रहता है, नया होता है पुराना जाता है। टेम्पू डाला, ई रिक्शा, ठेला, यही लखनऊ। पुराने लखनऊ में तो ये सब बहुत ज़्यादा दिखता है, पुराने लखनऊ की तरफ ऐसा सब दिखता ही है। नए लखनऊ में खुली सड़कें हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बने हैं, जैसे अलग शहरों में बने थे वैसे लखनऊ में भी बने हैं। तो ये निषादगंज का एरिया है, ये भी इसको अब ये भी बूढ़ा हो चुका है, इसको भी पुराने लखनऊ में अब डाल दिया जाता है। कुछ दिन बाद कहेंगे ये जितने पॉश जो पुराने पॉश एरिया हैं, जैसे हजरतगंज तो बहुत पुराना हो गया है, उसको बूढ़ा कहो जवान कहो वो सदाबहार है। सदाबहार चीज़ें सदाबहार ही रहती हैं। दीदी हेलमेट कहाँ है? हेलमेट लोग लगाने में थोड़ा शर्माते हैं यहाँ, नंबर भी नहीं है गाड़ी में, हेलमेट भी नहीं है खोपड़ी में। हेलमेट लगाना चाहिए भाई, सुरक्षा तभी रहेगी। फैशन वैशन जब पैदल चल रहा है तब ठीक है, ऐसे तो हेलमेट लगाना चाहिए भाई। और ये ग्रीन एरिया आ गया, बहुत बढ़िया है यार इधर का एरिया। कुछ कुछ लखनऊ में अभी बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जो एक्चुअल में ग्रीन है, और यहाँ लेकिन जो अगर हम बात करें प्रॉपर्टी की, एक बार बात कर ले तो यहाँ जो प्रॉपर्टी है हजरतगंज में बहुत आसमान छू रही है। मतलब जो सबसे महंगे वाले एरिया में आते हैं प्रॉपर्टी के, तो हजरतगंज जो है उनमें टॉप पे ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे कॉमर्शियल भी है, पुराना भी है, अगर भी सारा ऑफिसेज भी है, बहुत सब कुछ है इधर, तो ये बहुत महंगा एरिया है। पहले क्या होता था कि अब तो हर जगह पे शहर में क्या हुआ है कि कैमरे लग गए हैं सड़कों पे, तो लोग कैमरा जहाँ होता है वहाँ तो रुकते ही हैं, वरना जब तक कैमरे नहीं थे तो भाई लाल बत्ती क्या है पीली बत्ती क्या है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। टेक्नोलॉजी ने दुनिया बदली तो है, चाहे बड़े शहर हो चाहे छोटे शहर हो, बदल के रख दिया है पूरी तरीके से। नहीं मानोगे तो घर पे चालान आ जाएगा। तो भैया मानो, ट्रैफिक रूल्स मानो, और ट्रैफिक रूल्स तो सबको फॉलो करने चाहिए, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए, क्योंकि अपना तुम टूटोगे फूटोगे क्या फ़र्क पड़ता है, दूसरा नहीं टूटना फूटना चाहिए तुम्हारी गलती की वजह से। तो ट्रैफिक रूल मानो, नियम कानून मानो, नियम कानून है तो उनको मानना चाहिए।
तभी तरक्की होगी देश की, समाज की, हमारी सबकी। ये हजरतगंज है, ये शक्ति भवन है जहाँ से बिजली का दफ्तर जिसे बोल सकते हैं स्टेट का, शक्ति भवन। तो हजरतगंज की तरफ हम आए हैं, तो यहाँ सामने जो है जीपीओ है, जो उसकी बिल्डिंग दिख रही है वाइट कलर से पुता हुआ जो टावर है वो, और हजरतगंज चौराहे के पास हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो आने वाले हैं हजरतगंज चौराहा। तो हम हजरतगंज चौराहा पहुंच गए हैं। यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा था, यहाँ पे क्या है कि बहुत पुराना एरिया है और जो शॉप्स वगैरह हैं तो सारी हैं और बड़े बड़े स्टोर्स हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के। तो यहाँ हर तरफ देखेंगे कि इसीलिए यहाँ पे क्या है कि प्रॉपर्टी बहुत ही महंगी है, कॉमर्शियल जो है वो बहुत महंगा है। मतलब अगर टॉप 5 में बात करेंगे कॉमर्शियल में तो हजरतगंज तो आता ही आता है। तो हजरतगंज ये चौराहा है, हजरतगंज ये जो मेन चौराहा है यहाँ पे हम लोग हैं।